नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी को हम फिर से एक नई जानकारी बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र की जो यहाँ पे वैकेंसी है, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे, इसकी फुल जानकारी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पे कितना पेमेंट दिया जाएगा और जो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको यहाँ पे हम जानकारी दे दें, यहाँ पे आप जो है एमपी ई सर्विस पोर्टल के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन आ चुका है मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप का जो यहाँ पे ऑप्शन है, जिसमें आप मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के लिए जो वैकेंसी है उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके जो पंजीयन है 2 जुलाई 2023 से 10 जुलाई 2023 तक चलने वाले हैं। तो इसका जो आवेदन है आप कहाँ से और कैसे कर पाएंगे, तो इसकी भी जानकारी बता दें। सबसे पहले रूल बुक के हिसाब से हम आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो है अगस्त 2023 से जनवरी 2023 के बीच में जो है आपकी नियुक्ति रहेगी। और इसमें जो है आप कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे, तो 2 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें आपका जो मेरिट परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बेस बनेगा और आपका इसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के हिसाब से आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ कुल रिक्त पदों की जो है संख्या देख लें, रिक्तियों की संख्या आपको बताना चाहेंगे कितने रिक्त पद यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं 4,695 कुल रिक्त पद यहाँ पे रखे गए हैं। इसके बाद जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होगी, तो आपका जो है सत्र 2021, 22 और 23 में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आपने सत्र 2021, 22 और 23 में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया है और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको मानदेय कितना मिलेगा, यानी तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे 8,000 रुपये प्रति माह आपको तनख्वाह दिया जाएगा। इसके बाद आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आयु सीमा में आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2023 को आपकी जो आयु है 18 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। अब इसमें कौन कौन से आवेदक आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो आवेदक हैं वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और इसकी जो और भी इंफॉर्मेशन है पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद तो मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र की जो वैकेंसी है, इसकी ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ से और कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप जो है एमपी रोजगार की वेबसाइट या फिर एमपी सर्विस ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको गूगल पर ले चलते हैं और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, आप एमपी रोजगार सर्च करेंगे या फिर एमपी ई सर्विस का पोर्टल ओपन करेंगे, तो आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पंजीयन नवीनीकरण और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने पहले पंजीयन किया है, रोजगार पंजीयन आपके पास है और आईडी पासवर्ड है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंगअप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, इस टाइप से आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पे आपको आपकी जाति लिखनी है, यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहें वो पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद अगर आपका जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें, अन्यथा नो पे क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके इस मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे दिया है, इस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के माध्यम ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद आपको जो है आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आईडी पासवर्ड आता है तो फिर हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं और डायरेक्ट लॉग इन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम वापस चलते हैं और फिर से उसी पोर्टल पर, और यहाँ पहुंचने के बाद आपको यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड टाइप करना है। अगर पासवर्ड आपको नहीं मालूम है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपना पासवर्ड नया पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद हम आगे चलते हैं और सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हम इस टाइप से जो है हमारा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे भर्ती और रोजगार का ऑप्शन दिखेगा, इस भर्ती और रोजगार के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारा जो है साइड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र की जो भर्ती है उसका आवेदन यहाँ से आप कर सकते हैं, और इसके आवेदन करने की जो डेट है वो भी यहाँ पे दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपका जो पेमेंट है वो 8,000 रुपये प्रति माह होगा,
आपकी आयु 18 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपको जो आवेदन करने की डेट है वो 2 जुलाई 2023 से 10 जुलाई 2023 तक रखी गई है। नीचे आपको जो रूल बुक है वो भी दी गई है, तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे जो एजुकेशन से संबंधित जानकारी हम पहले बता चुके हैं, सत्र 2021-22 और 23 में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 50% से अंक अधिक उत्तीर्ण, 50% अंकों से आप अधिक होने चाहिए तब आप आवेदन कर पाएंगे। अब आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल नीचे चलना है, यहाँ बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे टाइप से एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको 4 स्टेप में जो है आवेदन कंफर्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल दी गई हुई, इसमें आपको पूछा गया है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे हाँ पे यस पे क्लिक होगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे दूसरे स्टेप में आपसे पूछा गया है कि आप जो है फुल टाइम के लिए जो है यहाँ पे 2000 अगस्त 2023 से स्टार्टिंग होगी तो आप उपस्थित होंगे, तो यहाँ पे यस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको आपका 9 अंकों का समग्र आईडी लिखना है, जो कि सदस्य का समग्र आईडी है वो यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हम समग्र आईडी टाइप करते हैं और सर्च इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ये जो जिला का ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये ब्लॉक है ब्लॉक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो समग्र आईडी में नाम है वो नाम यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक एज आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जेंडर भी आ जाएगा। ये पूरी जानकारी जो है आपकी समग्र आईडी से फिल हो जाएगी। समग्र आईडी से फिल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगा। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप जो है विवाहित है या अविवाहित है, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यस ऑप्शन पर क्लिक करें, नहीं हुई है तो नो ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो है व्हाट्सएप पर अपडेट पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करें, अन्यथा आप जो है नो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओपीटी इन फॉर अपडेट व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं हम नो कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट डिटेल में यहाँ पे आपका एड्रेस जो है समग्र आईडी के माध्यम से आएगा, जो भी समग्र आईडी पे एड्रेस होगा वो आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस में आप जो है अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट लिखना है मध्य प्रदेश होगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पे आप अपना जो है पिन कोड लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी एड्रेस है आपका आधार कार्ड पर वो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करें। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे अदर डिटेल, अदर डिटेल में आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है इन तीनों में आपको यस करना है, यानी यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर चलाने का बेसिक नॉलेज है तो हाँ करना है। यहाँ पे आपके पास एक स्मार्ट, तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो है 2 व्हीलर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज देना है कि आप जो है कौन से लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है हिंदी इंग्लिश है या दोनों है, तो आप अगर दोनों में बोल सकते हैं लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो बोथ कर दें, यानी हिंदी अकेला है तो हिंदी कर दें, तो हम यहाँ पे हिंदी कर देते या फिर हम यहाँ पे बोथ कर देते, तो हम यहाँ पे हिंदी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन है जिन्हें आपको टिक करना है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई कोई क्रिमिनल केस है तो यहाँ पे नो रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कोई गवर्नमेंट वर्कर है आप या फिर नॉन गवर्नमेंट में आप किसी कहीं मजदूर का काम करते हैं किसी कंपनी में, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके पास ABC सर्टिफिकेट है, NCC या NSS का, तो यहाँ पे आप अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने नेशनल या स्टेट कैंप किया है NCC NSS या स्काउट गाइड का जो, या नेहरू युवा केंद्र से संबंधित कोई भी कैंप किया है, तो हाँ है तो यस कर दें, नहीं है तो यस नो कर दें, तो हम यहाँ पे जो भी है वो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इनका जो मेंबर से इनसे पूछा जाता है कि आपके पास नेशनल सर्विस स्कीम या नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत आप जो है यहाँ पे मेंबर हैं, यानी आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं पहले से, तो यहाँ पे अगर है तो हाँ कर दें, नहीं है तो हम नो कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, NCC NSS जो भी है तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव अस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम सेव अस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारी जानकारी सेव हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
इसके बाद हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल देना है, तो यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आपने सत्र 2019-20 या 21 में जो भी क्वालिफिकेशन करी है वो जानकारी आपको यहाँ पे देना है। तो जैसे कि हमने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको डिग्री या पास लिखना है कि कौन सा कोर्स किया है। जैसे कि आपने बीए किया है तो बीए फाइनल ईयर, बीएससी किया है तो बीएससी फाइनल ईयर, तो जो भी किया है वो आपको लिख लेना है। यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है, पासिंग ईयर में आपको 19-20 और 21 यहाँ पे में से जो भी आपका है, आपका जो ग्रेजुएशन है वो 21-22 और 23 सत्र में होना अनिवार्य है। यानी 21 में पास किया, 22 में पास किया, 23 में पास किया, तो जैसे कि इन्होंने 21 में किया तो हम 21 सिलेक्ट कर देते। इसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे कोर्स लिखना है, आपका मार्क्स या परसेंटेज है तो यहाँ पे हम मार्क्स लिखते हैं, इसके बाद आपको कितने नंबर मिले हैं, तो यहाँ पे इनको जैसे 2100 मिले हैं, 2700 में से टोटल नंबर में से कितने मिले हैं, इनका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे निकल के आ जाता है 77.78। इसके बाद ये ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से आपको जो है ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम जो है फिर से सेव कर देंगे या फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे कि हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस डिटेल देना है, एक्सपीरियंस डिटेल आपके पास है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आवेदन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इस टाइप से आपको आवेदन दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपका जो आवेदन है फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है कॉल करके या फिर किसी भी मैसेज या फोन के जरिए आपको कॉल करके बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और अधिक इसकी अधिक जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्म आप जो है भर लें, फिल कर लें, इसकी जो अदर इंफॉर्मेशन है जैसे ही आती है तो वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।